महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को एकनाथ शिंदे सरकार के फ्लोर टेस्ट को लेकर जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। शिंदे सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एकनाथ शिंदे ने 164 वोटों के साथ बहुमत सिद्ध किया है। विधानसभा में 164 विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन किया, जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े। स्पीकर का वोट काउंट नहीं किया गया है, नहीं तो शिंदे के पक्ष में विधायकों के समर्थन का यह आंकड़ा 165 हो जाता। बता दें कि विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या 288 है, एक सीट खाली है, ये संख्या 287 बचती है। बहुमत परीक्षण के समय विधानसभा में कुल 266 विधायक उपस्थित रहे, इनमें से 3 विधायकों ने वोट नहीं डाला। जिन 3 विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया उनमें 2 SP के विधायक शामिल हैं। इस तरह से कुल 263 विधायकों ने ही वोटिंग में भाग लिया, जिसमें से 164 विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया। बता दें कि फ्लोर टेस्ट के दौरान महाविकास अघाड़ी के कई विधायक विधानसभा ही नहीं पहुंचे। इनमें कांग्रेस के 5 विधायक समय पर सदन नहीं पहुंच पाए और गेट बंद हो गया। NCP के भी 2 विधायक अनुपस्थित रहे, तो दूसरी तरफ शिवसेना के 1 विधायक ने आखिरी समय में पाला बदलते हुए शिंदे के पक्ष में अपना वोट डाला। गौरतलब है कि शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने 31 महीने पुरानी महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने के बाद 30 जून को शपथ ग्रहण किया था। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन आज शिंदे सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बता दें कि इससे पहले रविवार को विधानसभा स्पीकर के चुनाव में भी BJP और शिंदे गुट के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल की थी। राहुल नार्वेकर को कुल 164 वोट मिले थे। इसके बाद आज फ्लोर टेस्ट में भी शिंदे सरकार ने इस आंकड़े को बनाए रखा।